सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि बन जाए तो सबसे बढ़िया है, गाँव वालों को भी भला हो जाएगा इसमें। रोज दो चार बार आना जाना हो जाता है, क्या कहेंगे सड़क के बारे में? ये सड़क प्रशासन को जरूर बनानी चाहिए, इससे 4-5 हज़ार जनता का हित हो सकता है अगर यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, तो आपको जैसे अक्सर कब रात को भी जाते हैं सड़क से? सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लोग जाते हैं, रात भी रात में जाते हैं लोग जाते हैं। कभी डर वगैरह रहता है? डर रहता है, जानवर का भी डर रहता है और वैसे भी डर रहता है। सड़क की स्थिति कैसी है? बहुत खराब स्थिति है सड़क की। सड़क पर तो ये कम से कम ये हो गए 40-50 साल हो गए, तब से बनी नहीं सड़क। नहीं बनी है। इसमें क्या दुर्घटना वगैरह की संभावना है? दुर्घटना का तो नहीं है, ज़्यादा जानवर का खतरा होता है इसमें, जानवर का। और रात बिरात रात को भी दिक्कत ये होती है कि आदमी जल्दी से नहीं पहुंच पाता। और कुछ कहेंगे? बस आप इस सड़क के लिए कर दीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। हम इस वक्त जो है सत्यनारायण मंदिर भगवान से जो सामने घोरी माफी के लिए रोड है उस सड़क पे है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे, ये वो सड़क है, ये घोरी माफी की सड़क है जिससे जो है घोरी माफी के लोग आया जाया करते हैं। लेकिन ये सड़क जो है कई सालों से जो है दशकों से नहीं बन पाई है। घोरी माफी के लोग जो है इस सड़क के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और विधायक जी से भी वो कई बार मिले हैं, लेकिन विधायक जी को 14.5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है, कोई योजना नहीं बनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोटद्वार वाली सड़क बन सकती है, ऑल वेदर रोड वाली सड़क बन सकती है और दूसरी कई सड़कें बन सकती है, तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बन सकती? ये जो सड़क है इसके लिए जो है दशकों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारे विधायक जी को 14 साल हो गए पर अभी तक जो है इस सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। और इस सड़क के लिए जो है अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। कोटद्वार वाली सड़क का समाधान हो गया, ऑल वेदर रोड सड़क का समाधान हो गया है, तमाम सड़कों के समाधान हो गए हैं लेकिन इस सड़क पर जो है अभी भी कई बातें जो है अनसुलझी सी है। और एक मेन आपको हम नक्शे के हिसाब से बताएं, नक्शा जो हमारा इस सड़क का है वो ये है कि इधर जो है सौंग नदी आ जाती है, यहाँ पर एक दूसरी नदी है, इन दो नदियों के बीच से ये सड़क है। बावजूद इसके भी इसको रिजर्व पार्क में घोषित कर रखा है, यहाँ पे कोई विकास काम नहीं हो सकते हैं, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएँ सड़क परिवहन जो सुविधा है वो भी नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे विधायक जी के 14 साल के कार्यकाल में उठेगा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये सड़क क्यों नहीं बन पाई। इस मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश विधानसभा देवभूमि उत्तराखंड।